गोलीय विपथन के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय विपथन जो है कहता है कि बड़े द्वारक का गोलीय दर्पण, जिसका द्वारक बड़ा होगा, बड़े द्वारक का गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर फोकस नहीं करता है। फोकसन का इस दोष को बोलिए विपथन करते हैं। मान लीजिए कि यह एक दर्पण हो गया, इसके द्वारक मान लीजिए कि अब बड़ा है, ठीक है, तो इसमें होता है क्या, जो आपका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, तो जो भी किरणें जो है पहले जो है समानांतर जो चलती है मुख्य अक्ष के, वह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य मतलब मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होती है, ठीक है। तो जो द्वारक जिसका बड़ा होता है, यानी यह मुखौटा जो जिसको कह सकते हैं, जिसका द्वारक बड़ा होता है, तो कहता है कि बड़े द्वारक का गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर फोकस नहीं करता है, अर्थात एक ही बिंदु मुख्य फोकस पर वह टकराने के बाद नहीं पड़ता है, बल्कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर यहाँ पर पड़ता है प्रधान अक्ष पर, ठीक है। तो इस तरह के दोष को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय विपथन कहते हैं। फिर एक बार देखा जाए कि बड़े द्वारक का गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर फोकस नहीं करता है। फोकसन के इस दोष को गोलीय विपथन कहते हैं। परवलयिक दर्पण में यह दोष नहीं पाया जाता है, ठीक है। बड़े द्वारक का गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर फोकस नहीं करता है। फोकसन के इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय विपथन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब आता है अगला टॉपिक अनुबद्ध फोकस। कहता है कि प्रधान अक्ष पर स्थित ऐसा दो बिंदु, ऐसी दो बिंदुएं जिसमें एक बिंदु पर किसी वस्तु को रखने पर दूसरे बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो दोनों बिंदु एक दूसरे के अनुबद्ध फोकस कहते हैं। फिर से देखा जाए, प्रधान अक्ष पर स्थित ऐसी दो बिंदुएं जिस पर एक बिंदु पर देख रहे हैं कि ए बी जो है एक बिंब है, बी बिंदु पर बिंब को रखा गया है, अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, बी डैश पर बन रहा है, तो बी और बी डैश दोनों बिंदुएं क्या कहलाएंगे, अनुबद्ध फोकस कहलाएंगे, ठीक है। तो फिर से देखा जाए कि मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसी दो बिंदुएं जिसमें एक बिंदु पर बिंब को रखने पर दूसरे बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो दोनों बिंदु एक दूसरे के अनुपूरक क्या कहलाते हैं, अनुबद्ध फोकस कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह जो है बी और बी डैश क्या हो गया, अनुबद्ध फोकस हो गया, ठीक है। फिर से एक बार देखा जाए कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसी दो बिंदुएं जिस पर एक बिंदु पर बिंब को रखने पर उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, तो दोनों क्या बिंदुएं क्या कहलाती है, अनुबद्ध फोकस कहलाती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी क्या चीज है, ठीक है। तो हम लोग देखें चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी जो है कहता है कि दोनों दर मने हम लोग को मुख्यतः अवतल और उत्तल दर्पण के ही बारे में पढ़ना है। कहता है कि दोनों दर्पणों में जो है वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी को यू माना जाता है, वस्तु दूरी को हम लोग क्या मानते हैं, यू मानते हैं, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी मानते हैं, और फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित करते हैं, फोकस दूरी छोटा एफ हो गया, वक्रता त्रिज्या जो है वक्रता त्रिज्या यह होता है कैपिटल आर या स्मॉल आर, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कहता है कि सभी दूरियां, पहला पॉइंट हो गया कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, अर्थात कहां से मापी जाती है, पी से मापी जाती है, ठीक है। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, अर्थात पी से मापी जाती है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मान लीजिए कि हमको पोल से माप रहे हैं, आपतित किरण की दिशा यह है, आप माप रहे हैं इधर कोई चीज मापना है दर्पण के सामने, तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां जो है धनात्मक होती है, तो पीछा जब पड़ेगा कोई चीज तो वह धनात्मक होगा, क्योंकि आपतित किरण की दिशा ऐसे है, आप माप रहे हैं उसके दिशा में, तो पीछा जो दर्पण का हुआ तो धनात्मक होगा, दर्पण के सामने जो कोई भी चीज होगा वह प्रायः क्या होगा, ऋणात्मक होगा।
तो वस्तु जो है दर्पण के बराबर सामने रहता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि दोनों दर्पणों में वस्तु दूरी अर्थात यू का मान हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। क्लियर? दोनों दर्पणों में वस्तु दूरी अर्थात यू का मान हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि यह दर्पण के सामने पड़ता है, ठीक है। और देखा जाए यह फोकस दूरी जो है, तो हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी सामने रहता है और उत्तल दर्पण में पीछे रहता है। तो अवतल दर्पण में चूंकि सामने रहता है, इसलिए जो है एफ का मान ऋणात्मक अवतल में लेते हैं और उत्तल में धनात्मक लेते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में कहाँ होता है? पीछा होता है, ठीक है। तो फोकस दूरी हो गया। अब प्रतिबिंब के बारे में देखिए, जो प्रतिबिंब सामने बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी के बारे में देखना है, जो प्रतिबिंब सामने बनेगा वह ऋणात्मक लेंगे भी का चिन्ह, और दर्पण के पीछे बनेगा तो वह क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो इसलिए प्रतिबिंब दूरी हमेशा उत्तल दर्पण में आप पाइएगा कि हमेशा धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में एक स्थिति को छोड़कर सभी स्थितियों में प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में एक स्थिति को छोड़कर सभी स्थितियों में भी का चिन्ह ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है। और जो है एक स्थिति कौन सी स्थिति होती है, यानी दर्पण के बिंब को जो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच जब रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में पीछा बनता है। तो ऐसी एक स्थिति में जो है भी का चिन्ह हम लोग क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं, ठीक है। तो एक बार और देखा जाए चिन्ह परिपाटी में कि सभी दूरियां कहाँ समाप्त हैं? दर्पण के ध्रुव से अर्थात पोल समाप्त हैं। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इसको यूं कह सकते हैं कि जो दर्पण के सामने पड़ेगा जो चीज वह ऋणात्मक होगा, दर्पण के पीछे पड़ेगा वह क्या होगा? धनात्मक होगा, ठीक है। तो वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होता है, दोनों दर्पणों में हम पाएंगे कि वस्तु जो है हमेशा दर्पण के सामने होता है, इसलिए वस्तु दूरी हमेशा दोनों दर्पणों में क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, चूंकि अवतल दर्पण में सामने फोकस होता है तो फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होगी, और उत्तल दर्पण में चूंकि पीछे रहता है फोकस, इसलिए वो क्या होगा? धनात्मक होगा। अब आता है भी का चिन्ह, यानी प्रतिबिंब दूरी जो है। तो उत्तल दर्पण में दो स्थिति होती है, दोनों स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पीछा बनता है। तो पीछा बनने का मतलब क्या हुआ कि भी का चिन्ह धनात्मक हो गया। और अवतल दर्पण में क्या होता है, एक स्थिति को छोड़कर अर्थात कौन सी स्थिति होती है? जब बिंब को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब पीछा बनता है। तो वैसी स्थिति में भी का चिन्ह धनात्मक लेते हैं, और शेष सभी स्थितियों में चूंकि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, ठीक है, तो इसलिए जो है उसका चिन्ह जो है क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। यह जो है हम जानते हैं कि एफ बराबर आर बटा टू होता है, तो एफ अगर धनात्मक होगा तो आर भी धनात्मक होगा, एफ ऋणात्मक होगा तो आर भी ऋणात्मक होगा, अर्थात वक्रता त्रिज्या किस पर निर्भर करता है? फोकस दूरी पर, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी के बारे में समझ गए। अब इससे संबंधित जो है कुछ न्यूमेरिकल है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आता है लेंस, आता है अगला चीज है लेंस है। तो लेंस को देखिए तीन नाम से हम लोग जानते हैं, लेंस या ताल या वक्ष कहते हैं। लेंस को तीन नामों से जाना जाता है हिंदी में, इंग्लिश में लेंस ही होता है। तो कहता है कि लेंस किसी पारदर्शी, अब आगे देखेंगे अगले दिन।